नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। राली गांव के जंगल में विवाहित की हुई हत्या, महिला के गुप्तांग काट डाला, नाबालिग को जमानत देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राली गांव के जंगल में विवाहित की हत्या हुई। यवतमाल जिले के एक राली गांव कस्बे में 2 किमी दूर सैनौल के जंगल में शनिवार दोपहर एक विवाहित महिला का शव मिला, जिस पर चाकू के कई वार किए गए थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पिंपरी निवासी महिला आरती शरद कोवरे का शव मिलने के बाद स्थानीय निवासियों के पुलिस को सूचना दी। गर्दन, पीठ, छाती पर चाकू से मारने के निशान थे। पुलिस ने महिला के पति सूचना को दी और वह शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ग्रामीण अस्पताल के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में चाकू के वार उसके हत्या करने की पुष्टि हो रही है। आरंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने रालेगांव निवासी गणेश रिपाइन नामक युवक को हिरासत के लिए भेज दिया गया है। अनुमान है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महिला ने गुप्तांग काट डाला। थाने जिले के एक व्यक्ति ने महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किए जाने से इसके बाद महिला ने खुद को बचाने का प्रयास कर कैंची से उस व्यक्ति का गुप्तांग काट डाला। इस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 30 वर्षीय घायल व्यक्ति को आनन फानन करके अस्पताल ले गया जाए जहां उपचार चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी अनिल सत्यनारायण राचा ने शराब के नशे में भिवंडी इलाके में 26 वर्षीय एक महिला के घर पर उसके साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक व्यवहार किया। राजा और महिला एक दूसरे को जानते थे। शुक्रवार की शाम करीब 4:30 बजे के दरमियान राजा उसके घर पर आया और आपत्तिजनक व्यवहार करते उसे छेड़ने का प्रयास करने लगा। खुद का बचाव करने के लिए महिला ने शोर मचाया और रसोई की तरफ भागी और हाथ में कैंची उठाई। अधिकारी ने प्राथमिकता के हवाले से बताया कि उसने कैंची से निजी अंग पर वार कर दिया, इसके चलते व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल राचा महिला के घर से भागा और उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। साथ ही महिला को किसी भी तरह का कानून नहीं लगाया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नाबालिग को जमानत देने से इनकार कर सकते हैं। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अपराधी मामले में नाबालिग को जमानत देने पर तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत यह सुनिश्चित कर नहीं लेती कि नाबालिग किस अज्ञात अपराधियों से संबंधित होने की आशंका है, या वह नैतिक है, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में हो सकता है, अथवा उसकी रियासत से अन्याय या उद्देश्य विकल्प हो सकता है। न्यायमूर्ति अभयंश ओका और न्यायमूर्ति ऑस्ट्रेलिया जॉर्ज महीस की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड के उस आदेश के खारिज कर दिया जिसमें एक नाबालिग को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब अगर चार दर्शकों को ब्रेक का ब्रेक शॉर्ट के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।